हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमपी की रसोई। सबसे पहले हम आपको थैंक्स कहना चाहेंगे, आज हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो चलिए, आज हम रेसिपी लेकर आए हैं मालपुआ की। केवल 3 इंग्रेडिएंट से आज हम मालपुआ बनाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल ले लेते हैं, उसमें 1 कप हम नाप कर मेजर कर आटा डाल देते हैं। तो इसमें डालते हैं 1 बड़ा चम्मच पिसी चीनी। इसको हमने चीनी को पीस लिया है। चीनी डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। मालपुआ हम रोटी बनाने वाले आटे से ही बना रहे हैं, इससे बहुत अच्छे मालपुए बनकर तैयार होते हैं। अब इसमें हम दूध लेंगे, 1 कप दूध लिया है। दूध से हम इसको बैटर तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे दूध डालते जाएंगे और लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। बैटर को धीरे धीरे घोलते रहेंगे और दूध डालते जाएंगे। लगभग इसमें 1.25 कप दूध लग जाएगा। थोड़ा बैटर मुझे अभी थिक लग रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध और डाल देते हैं। यहाँ पर आप इसमें फूड कलर भी ऐड कर सकती हैं। मालपुआ की कंसिस्टेंसी हमारी बनकर तैयार है। देखिए, कंसिस्टेंसी इस तरह की हो कि एक ही धार में गिरती रहे। यहाँ पर हमने बैटर में फूड कलर नहीं डाला है, हमने चाशनी बनाकर पहले ही तैयार कर लिया है, उसमें हमने फूड कलर ऐड किया है। आप चाहें तो ना डालें। मालपुआ बनाने के लिए हम इस तरह का पैन लेंगे फैला हुआ, और उसमें हम तेल गरम कर लेते हैं। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। चलिए पतले पतले मालपुआ बनाना शुरू करते हैं। कम से कम बैटर डालकर मालपुआ बनाएं आप। बैटर को एक ही जगह डालें। बैटर को हम एक ही जगह डालेंगे। जैसे ही हम बैटर डालेंगे ये अपने आप फैल जाएगा, और साथ ही इसको हम छेड़ेंगे नहीं जब तक ये एक साइड से पक ना जाए। देखिए, इस तरह से हम जब ये फूल कर ऊपर आ जाएंगे तो हम इनको पलट देंगे। जैसे ही मालपुआ सिक कर तैयार होगा, दूसरे स्पैचुला की हेल्प से इसका एक्स्ट्रा ऑयल अलग कर लेंगे। सभी मालपुए इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और पलट कर दोनों साइड से सेक लेंगे। मालपुआ बनाने के समय हमें फ्लेम हम लो रखेंगे और सभी मालपुए इसी तरह से बैटर डालते जाएंगे और बनाकर तैयार कर लेंगे। मालपुए का बैटर डालकर अगर आप इसको हिलाने की कोशिश करेंगे तो सभी एक शेप के नहीं बन पाएंगे। मालपुए सभी एक शेप के बनकर तैयार होते हैं। जितने भी आप मालपुए बनाएंगे तो स्पैचुला की हेल्प से इसको हम भींच कर इसका एक्स्ट्रा ऑयल अलग कर लेंगे। मालपुए में ऑयल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसको भींच कर इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देते हैं। धीरे धीरे सभी मालपुए बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। आप देख रहे हैं, 1 कप आटे के बैटर से हमारे 12 मालपुए बनकर तैयार हुए हैं। आटे और दूध से बने नरम मालपुए बनकर तैयार हैं। आप चाहें तो इन्हें इसी तरह से भी खा सकती हैं। बारिश के दिनों में गर्मा गर्म नरम नरम मालपुए खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। आप बरसात के दिनों में मालपुआ बनाकर खाइए। मालपुए अब हम चाशनी में डालकर 3 से 4 मिनट के लिए हम इन्हें छोड़ देंगे ताकि ये चाशनी को अच्छे से ऑब्जर्व कर लें। आप चाहें तो बिना चाशनी के भी खा सकते हैं, लेकिन हमने चाशनी में डालकर इनको 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। चाशनी डालने से
मालपुआ और भी सॉफ्ट हो जाएगा। ज़्यादा देर हमें इन्हें चाशनी में नहीं रखना है। चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। कितना टेम्प्टिंग मालपुआ बनकर तैयार हुआ है, इसे हम पिस्ते से गार्निश करेंगे। मालपुए को और भी रसीला और मीठा बनाने के लिए इस पर हम शहद डालेंगे। एक चम्मच हम शहद लेंगे और शहद को हम इस पर डाल देंगे। देखिए कितना रसीला मालपुआ बनकर तैयार हुआ है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आपको मालपुए की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ मेरी वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।